हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं कि वर्किंग ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम कैसे काम करता है और उसके जो मेन आपके यूनिट्स हैं, जैसे इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोगों ने सारी चीज़ें पढ़ चुकी हैं। मैंने सारी वीडियो डाली हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी इनपुट डिवाइसेस यूज़ होती हैं कंप्यूटर में डाटा इनपुट करने के लिए। आज हम बहुत इम्पॉर्टेंट जो यूनिट होती है, जैसे कि हम लोगों ने बेसिक पढ़ ही चुके हैं कि कंप्यूटर सिस्टम का अगर हम लोग ड्रॉ करें डायग्राम, तो ये आपका इनपुट यूनिट हो गया, ठीक। ये डाटा देता है किसको? प्रोसेसिंग यूनिट को, प्रोसेसिंग, ठीक है। और यहाँ प्रोसेसिंग होने के बाद जो रिजल्ट आता है वो यहाँ पे आउटपुट में चला जाता है। तो आज हम लोग सबसे इम्पॉर्टेंट बात करेंगे प्रोसेसिंग यूनिट की। तो प्रोसेसिंग यूनिट जो होता है कंप्यूटर का, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है, बिकॉज इसको एक्चुअली बोलते हैं, इनफैक्ट दिस इज प्रोसेसिंग यूनिट इज कॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू, ठीक। तो जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है इज द पोर्शन ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम दैट कैरीज आउट द इंस्ट्रक्शंस ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम टू परफॉर्म द बेसिक अर्थमेटिकल, लॉजिकल एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन ऑफ द सिस्टम। तो देखिए, सीधा सीधा आप ये समझ लीजिए कि जैसे कोई भी कंप्यूटर है आपके पास, तो उससे कोई भी काम कराने के लिए आपको क्या करना होगा? आपको उसे कमांड देना होगा, आपको उसको इंस्ट्रक्शन देना होगा। क्या देना होगा? इंस्ट्रक्शन, उसको बताना होगा कि क्या करना है। तो जो इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्राम, ठीक है। तो ये प्रोसेसिंग यूनिट क्या करता है कि इसी प्रोग्राम में जो इंस्ट्रक्शन दी गई रहती है उसको डिकोड करता है, उससे ये समझता है कि क्या करना है, और फिर वो काम करके रिजल्ट को आउटपुट पे दे देता है। अब क्या करना है, मतलब किसी भी तरह के ऑपरेशन, जो जो भी ऑपरेशन, चाहे वो आपका अर्थमेटिक ऑपरेशन हो, ठीक है, अर्थमेटिक ऑपरेशन, चाहे लॉजिकल ऑपरेशन, चाहे कोई आपका इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो, जितने भी तरह के ऑपरेशन, या सीधा सीधा आप ऐसे समझ लीजिए जितने भी तरह के काम कंप्यूटर को करने हैं, वो उसका हम इंस्ट्रक्शन दे देते हैं अपने प्रोग्राम में, और ये प्रोसेसिंग यूनिट वहां से उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद उसके हिसाब से वो काम एग्जीक्यूट करता है। जैसे हमने मान लीजिए यहाँ पे इनपुट में दिया 2 और 3, और हमने कहा इसको ऐड करना है, तो प्रोसेसिंग यूनिट क्या करेगा? यहाँ से 2 और 3 डाटा लेगा और फिर देखेगा उसको ऐड करना है तो ऐड करेगा, और जो रिजल्ट आएगा 5, उसको वो आउटपुट यूनिट में दे देगा। ये काम होता है बेसिकली प्रोसेसिंग यूनिट का। तो ये तो हमने काम इस, अच्छा नेक्स्ट नेक्स्ट आप ये कह सकते हैं द सीपीयू प्लेज ए रोल Somewhat analogous to the brain of a human. मतलब ये जो प्रोसेसिंग यूनिट होती है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये एक तरह से कंप्यूटर के ब्रेन का काम करती है। मतलब कंप्यूटर को क्या करना है वो सारी चीजें ये प्रोसेसिंग यूनिट ही बताती है कि भाई ये डाटा है, इस पे आपको ये काम करना है। तो इट एक्ट्स लाइक ए ब्रेन इन ए ह्यूमन बॉडी। जैसे आदमी के शरीर में ब्रेन, दिमाग, वो चीज होता है, वो पार्ट होता है जो पूरे शरीर को क्या काम करना है वो उसको कंट्रोल करता है, उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देता है। ऐसे ही कंप्यूटर के केस में जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है वो ये सारे सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करती है। अब ये जो सीपीयू है आपका, जिसको हमने सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट कहा है, इसके अंदर बेसिकली ये दो कंपोनेंट से मिलके बनी होती है, ठीक है। ये जो सीपीयू है आपकी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसके अंदर दो यूनिट होती है। एक होती है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, और एक होती है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब इसमें क्या होता है कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या करता है कि सारे अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन,
ये कहाँ परफॉर्म होते हैं? ये परफॉर्म होते हैं एएलयू के अंदर, ठीक। और कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंट्रोल यूनिट एक्सट्रैक्ट्स इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी एंड डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स देम कॉलिंग ऑन द एएलयू व्हेन नेसेसरी। तो ये तो ऑपरेशन परफॉर्म करता है, लेकिन कंट्रोल यूनिट का काम क्या होता है? सारे प्रोसेस को कंट्रोल करना। मतलब यही क्या करता है? सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट करता है मतलब इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है, समझता है। तो जैसे मान लें आप अभी जैसे हमने एग्जाम्पल ली थी आपको 2+3=5 वाला, ये काम हमें कराना है। तो पहले जब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो ये इसको पता चलेगा कि हमें दो डाटा की जरूरत है, ठीक। तो वो दो डाटा रीड करेगा कहां से? मेमोरी से। मेमोरी से वो दो इनपुट जो आप टू और थ्री जो आपने इनपुट किया है वो रीड करेगा, ठीक। उसके बाद देखेगा क्या करना है, एडिशन करना है। तो इस टू और थ्री को एडिशन कहां पे होगा? एएलयू में। तो इस टू थ्री को वो एएलयू में भेज देगा और एएलयू क्या करेगा? टू और थ्री को ऐड कर देगा और क्या होगा, जो रिजल्ट आएगा 5, उस 5 को एएलयू वापस कंट्रोल यूनिट को भेज देगा और कंट्रोल यूनिट वापस उसको आउटपुट यूनिट को भेज देगा। तो एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि कंट्रोल यूनिट कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन, ठीक है। इट एक्सट्रैक्ट इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, इट डिकोड्स एंड एग्जीक्यूट्स देम कॉलिंग ऑन द एएलयू व्हेन नेसेसरी। तो ये हो गया आपका सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का मेन काम, ठीक। अच्छा, अब इसमें थोड़ा सा हम एएलयू के बारे में बात कर लें। एएलयू क्या होता है? एएलयू स्टैंड्स फॉर अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये चीज हम आपको बता चुके हैं, ठीक है। ALU क्या है? ALU है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक। ये क्या करता है? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट इज ए डिजिटल सर्किट दैट परफॉर्म्स अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशन। ALU इज ए फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ ए कंप्यूटर एंड इवन द सिंपलेस्ट माइक्रोप्रोसेसर कंटेन्स वन फॉर purposes सच एज मेंटेनिंग टाइमर्स। यानी कि ALU जो होता है ये आपके सारे अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। इवन अगर आप सिंपल से सिंपल माइक्रोप्रोसेसर भी ले लें जो केवल काउंटिंग का काम करते हैं, तो भी जो टाइमर की काउंटिंग वाला काम होता है वो ALU के अंदर ही परफॉर्म होता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली अच्छा ALU बना किससे होता है? ALU में ALU कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रजिस्टर्स। तो ये कभी जब हम लोग ALU पे सेपरेट वीडियो बनाएंगे या डीप डिटेल में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि रजिस्टर क्या होते हैं। या आप में से जो इंटरेस्टेड हो, जो ALU के बारे में टेक्निकल डिटेल्स ज़्यादा जानना चाहते हो, ठीक है, या डीप में जाना चाहते हो, तो आप मेरे दूसरे चैनल पे वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। उसका दूसरे चैनल का मैं लिंक अभी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, दैट इज विद द नेम श्री अनंता ट्यूटोरियल टेक्निकल। उस चैनल पे आप जाके आप डीप डिटेल में भी ये सारी चीजें समझ सकते हैं, ठीक। अभी आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बेसिक चीजें हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका ALU का काम। ALU क्या होता है? ALU रजिस्टर से बने होते हैं। रजिस्टर्स क्या होते हैं ये आप सिंपल बहुत आराम से समझ लीजिए कि ये स्मॉलेस्ट या समझ लीजिए एलिमेंट्री एलिमेंट्री स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, ठीक। और डिटेल के लिए आपको फिर दूसरे वाले चैनल पे जाके आपको वीडियो देखने पड़ेगी, ठीक है। तो उस पर आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। ये हो गया आपका ALU का काम। कंट्रोल यूनिट का क्या काम होता है वो मैं आपको डिस्कस बता ही चुका हूं कि कंट्रोल यूनिट बेसिकली कंट्रोल्स ऑल द ऑपरेशन विच इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय द कंप्यूटर एट द टाइम ऑफ प्रोसेसिंग। ये बेसिक काम होता है कंट्रोल यूनिट का। तो आई होप कि आपको वीडियो कॉन्टेंट क्लियर हो गया होगा। अगर इस वीडियो से संबंधित कोई भी आपका सजेशन है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी कंफ्यूजन है,
तो आप उसको कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और वीडियो कंटेंट अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।